Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So actually ये एक ही problem के दो part हैं, तो हम दोनों को साथ में ही discuss कर लेंगे, right? So let's see. A scooter weighing 150 kg together with its rider moving at 36 km/h is to take a turn of radius 30 meter. What horizontal force on the scooter is needed to make the turn possible? So इस तरह से देखो, एक scooter है जो turn लेना चाहता है and the radius of that turn is given to be 30 meter. और जो मास दे रखा है स्कूटर का, टोटल मास along with its राइडर, वो दे रखा है 150 किलोग्राम. सो इनफैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टर्न लेना चाहता है ऑफ रेडियस 30 मीटर विद अ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, और यू कैन से 36 × 5/18, सो हाउ मच इज दिस 10 मीटर पर सेकेंड. अगर उसे 10 मीटर पर सेकेंड से टर्न लेना है इस कर्व पे जिसका रेडियस 30 मीटर है, तो उसे एक एक्सेलरेशन चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर विच इज v²/r. और ये एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? सो मास से मल्टीप्लाई कर दो. सो इतना फोर्स चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. एक्चुअली ये डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर होता है, सो इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल फोर्स कहा है, राइट? दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स. सो यू कैन इजिली फाइंड आउट m कितना हो जाएगा. m विल बी 150 इंटू वेलोसिटी का वैल्यू 10, सो 100 अपॉन R is 30, so how much is this? 500 Newton. So 500 Newton का force चाहिए आपको horizontal direction में. Okay, let's see. If the horizontal force needed for the turn in the previous problem is to be supplied by the normal force by the road, what should be the proper angle of banking? Okay, so देखो आप अगर जो आपका road है वो flat है, like horizontal road है ना, उसे आपने bank नहीं किया है, so what will happen? Scooter इस तरह से, let me represent it with a box. आप अगर इस रोड को बैंक नहीं करोगे तो नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. देयर विल नॉट बी एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना? हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आ रहा, सो दिस कार कैनॉट और दिस स्कूटर कैनॉट मेक अ टर्न, राइट? इसे टर्न करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए. सो हमें अगर इसे हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोवाइड करना है, देन व्हाट वी कैन डू, जो आउटर एज है ना, जो बाहर तरफ का रोड है, उसे हल्का सा ऊपर कर दो आप. Outer edge of the road can be lifted vertically upward. So what will happen? जो आपका रोड है कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो इस तरह से, right? किसी एंगल थीटा पे आप उसे टिल्ट कर दो, so वो इंक्लाइन हो जाएगा, right? So now if you draw the free body diagram, अगर अब हम इसका free body diagram बनाएं, let me use a bigger diagram. मान लो किसी एंगल थीटा पे आपने रोड को टिल्ट कर दिया, so you have to find out this थीटा कि कितने पे आपको इसे बैंक करना है, सो दैट स्कूटर कैन मेक अ सेफ टर्न. सो आप देखो ये स्कूटर है, इसमें नीचे की तरफ आपका mg लगेगा और जो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड रोड, इस डायरेक्शन में. सो यू कैन टेक द कंपोनेंट्स ऑफ दिस नॉर्मल डायरेक्शन. अब देखो नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. और ये एंगल कितना होता है? ये एंगल थीटा, सो ऊपर की तरफ n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा. Now we have got one horizontal component of normal reaction, right? और ये जो normal reaction का horizontal component है, ये आपको centripetal force provide करेगा. So n into sin theta will provide you necessary centripetal force mv²/r. और जो vertical direction है ये वाला, यहाँ पे आप mg को n cos theta से equate कर सकते हो, because इस direction में कोई acceleration नहीं है. ओके, सो दो इक्वेशन है, हमें थीटा का वैल्यू निकालना था. सो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. लेट्स डिवाइड द टू इक्वेशंस. सो टेन थीटा कितना आ रहा है, m भी कैंसिल हो जा रहा है, v²/r जी. सो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो. कितना आएगा? थीटा विल बी 10 इनवर्स ऑफ v का वैल्यू कितना था 10, सो 100 अपॉन r का वैल्यू 30 था और g का वैल्यू लेट्स टेक इट टू बी 10, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 1/3, है ना? सो थीटा यहाँ से 1/3 आ जाएगा. फाइन. अगर इसी प्रॉब्लम में वो कहता कि इस बार आप रोड को बैंक मत करो, रदर द फोर्स विच यू रिक्वायर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन. सो फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू मिनिमम निकालो. सो वो कैसे निकालेंगे? यू डोंट हैव टू बैंक द रोड दिस टाइम. सो देखो जो आपका रोड होगा वो फ्लैट होगा, हॉरिजॉन्टल, राइट? नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. नीचे की तरफ एम जी और ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन, राइट? सो फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो एन that will be equal to mg, right? इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है v²/r. So F, that is the force, that will be equal to mass into acceleration. So इस तरह से देखो. और अगर आपको म्यू मिनिमम चाहिए तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिटिंग, राइट? अगर म्यू कम है, अगर आप म्यू को डिक्रीज करते जाओगे तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था ये अपना लिमिटिंग वैल्यू अटेंड कर लेगा, विच इज n इंटू म्यू. सो अगेन आप म्यू का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, mv²/n इंटू r, और n कितना है mg. सो mg, सो चेक करो कितना आ रहा है, v²/r. ओके फाइन, आई होप इट्स क्लियर. लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर इन द टेलीग्राम. ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट.